सो हाई एवरीवन, दिस इज मोनू। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ सेमेस्टर एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिए हैं तो आपको समझना बहुत ज़रूरी होगा कि जो सेमेस्टर का एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है किस प्रकार होता है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन घंटी प्रेस कर ले रहिएगा ताकि हर अपडेट आपको इंजीनियरिंग से रिलेटेड मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, जो सेमेस्टर एग्ज़ाम होता है कुछ इस तरह से इसको नाम दिया गया है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। एक्सटर्नल एग्ज़ाम होता है, उसके बाद इंटरनल एग्ज़ाम होता है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है और असाइनमेंट एग्ज़ाम होता है। तो कुछ इस तरह से इसको नाम दिया गया है, जिसको हम लोग एक्सटर्नल एग्ज़ाम को इंटसेम कहते हैं, जो कि यूनिवर्सिटी लेवल पर एग्ज़ाम होता है। उसके बाद फ्रेंड्स, इंटरनल एग्ज़ाम जिसको मिड सेम बोलते हैं और ये जो कि कॉलेज कंडक्ट करती है। उसके बाद प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जिसको लैब बोलते हैं और असाइनमेंट एग्ज़ाम जिसको क्लास टेस्ट बोलते हैं। तो कुछ इस तरह से सेमेस्टर एग्ज़ाम का नाम दिया गया है। अब फ्रेंड्स, मैं एक एक करके मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि कौन सा एग्ज़ाम कितना मार्क्स का रहता है। सो फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको किसी भी चीज़ मिस ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, सबसे फर्स्ट जो होता है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, जो कि 150 मार्क्स का होता है। सेकेंड आपको थियोरेटिकल सब्जेक्ट का होता है, जो कि 100 मार्क्स का होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसमें मैं बता देता हूँ प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में, जो कि 150 मार्क्स का होता है, इसमें दो तरह से कैटेगरिया में बांट दिया जाता है, एक थ्योरी टाइप में और सेकेंड आपको प्रैक्टिकल टाइप में। थ्योरी में 100 मार्क्स का होता है और प्रैक्टिकल में भी 50 मार्क्स का होता है। अब चलता हूँ थ्योरी टाइप के, मैं 100 के मैं बात कर लेता हूँ। तो इसमें भी दो टाइप से बांटा गया है फ्रेंड्स, एक मिड सेम और सेकेंड आपको एंड सेम। यानी मिड सेम मैंने बताया था कि आपको कॉलेज खुद कंडक्ट करेगी एग्ज़ाम, और एंड सेम का मतलब हुआ कि आपको यूनिवर्सिटी खुद लेती है एग्ज़ाम। उसके बाद मिड टर्म में जो कॉलेज खुद लेती है, उसमें भी दो तरह से कैटेगरिया में बांट दिया जाता है, जो कि आपको क्लास टेस्ट और असाइनमेंट में। 20 आपको क्लास टेस्ट, जितना आपको 6 मंथ में पढ़ाया जाएगा वही आपको एग्ज़ाम लिया जाएगा, क्लास टेस्ट लिया जाएगा, वो 20 मार्क्स का रहेगा। और असाइनमेंट का 10 रहता है। उसमें भी फ्रेंड्स दो तरह से बांटा गया है। फर्स्ट जो कि 10 में 5 नंबर आपको असाइनमेंट का हो जाता है और 5 नंबर आपको अटेंडेंस का हो जाता है। तो यहाँ पर 30 मार्क्स समझ गए मिड सेमेस्टर का, जो कि आपको कॉलेज खुद कंडक्ट करती है, और 70 मार्क्स जो कि आपका यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लेती है थ्योरी टाइप के 100 मार्क्स में। अब मैं बात कर लेता हूँ जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के, प्रैक्टिकल 50 मार्क्स में क्या है। तो इसमें भी फ्रेंड्स आपको एक्सपेरिमेंट दिया जाता है, आपको एक्सपेरिमेंट में 5-6 जितना भी एक्सपेरिमेंट दिया जाता है वो 30 मार्क्स का होता है। यदि वो बना लेते हैं तो 30 मार्क्स मिल जाएगा। उसके बाद भी आपको सीट प्रोजेक्ट फाइल बनाने के लिए दिया जाता है, जैसे कि आप ड्राइंग किए हैं या किसी प्रकार का फाइल तैयार, फिजिक्स में लैब बना रहे हैं और फाइल दिया गया है तो बनाते हैं, तो 20 मार्क्स का रहता है। यानी टोटल 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल रहता है। इसमें भी फ्रेंड्स आपको एक्सपेरिमेंट जो दिया जाता है 5 से 10 जितना भी, उसमें आपको जितना भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो अच्छी तरह से आपको पढ़ना होता है। यदि उसमें से सही ढंग से कर लेते हैं, उसी में से आपको ओरल जिसको बोलते हैं भैवा, तो भैवा पूछा जाता है, यदि बता देते हैं सही से तो आपको 30 मार्क्स मिल जाता है। तो आपको पता हो गया कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के 150 मार्क्स में किस किस तरह से आपको यहाँ पर डिवाइड किया गया है। उसके बाद अब चलता हूँ मैं बात कर लेता हूँ फ्रेंड थियोरिटिकल सब्जेक्ट के 100 मार्क्स में। तो यहाँ ओनली थ्योरी आपको रिटेन लिया जाएगा एग्ज़ाम। उसके बाद जो इसमें भी आपको 100 मार्क्स में फ्रेंड्स आपको मिड टर्म 30 मार्क्स का होता है और एंड सेम 20 मार्क्स का, जो कि आपको रिटेन करना होगा, लिखना होगा। मिड सेम आपको मैंने बताया कि कॉलेज खुद कंडक्ट करेगी 30 मार्क्स, तो 30 मार्क्स में भी आपको क्लास टेस्ट होगा और असाइनमेंट होगा। क्लास टेस्ट जिसमें आपको जितना भी पढ़ाया जाएगा उतना ही में से 20 नंबर का यानी कि 20 मार्क्स का क्लास टेस्ट होगा, और असाइनमेंट इसमें भी 5 नंबर अटेंडेंस हो गया और 5 आपका असाइनमेंट हो गया। तो आपका 10 नंबर समझ गए हैं, 10 इधर और क्लास टेस्ट 20, यानी 30 आपको मिड सेमेस्टर यानी कि कॉलेज जो खुद कंडक्ट करेगी एग्ज़ाम 30 मार्क्स का, और एंड सेम जो कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लेगी ओनली आपको 70 मार्क्स आपको यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लेगी। तो आप जाके इसका एग्ज़ाम इस तरह से आप दे सकते हैं। तो ये सब जितना भी था एग्ज़ाम पैटर्न था फ्रेंड्स आपको सेमेस्टर एग्ज़ाम का। और फ्रेंड्स, कोई भी अभी डाउट रह गया होगा
तो आप लोग कमेंट कीजिएगा ज़रूर, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। तो फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर जो भी स्टूडेंट पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले रहिए, ताकि हर अपडेट आपको मिलता रहेगा इंजीनियरिंग से रिलेटेड। तो चलते हैं, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।